आप देख रहे हैं नेट सॉल्यूशन हिंदी, मैं हूं विवाकर सिंह। आज के वीडियो में जैसा कि ये नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले मैंने करवा रखा है, प्रखंड कृषि कार्यालय गौड़ा डे एक प्रखंड है ऐसा, जहां पे कि सीएससी को एक नोटिस दे दिया गया है एप्लीकेशन के माध्यम से। मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा, तो उससे पहले करना चाहूंगा रिक्वेस्ट, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो यहाँ रेड कलर का बटन है, इसे दबा के सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन मेरे डीजी सीएससी रिलेटेड पोर्टल का आपको इस चैनल के माध्यम से मिल पाए। और कोई न्यू वीडियो देखना चाह रहे हैं, कोई भी सहायता चाहिए तो यहाँ पे मेरे चैनल पे सर्च है, सीएससी की कोई भी वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं सर्विस का नाम दे करके। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड कृषि कार्यालय गोराडू कार्यालय आदेश, यहाँ पे पत्रांक दिया गया है जो एप्लीकेशन में होता है, दिनांक दिया गया है। प्रेषक में बताया जा रहा है प्रखंड कृषि पदाधिकारी गोराडे प्रेषित कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी वसुधा केंद्र सभी। विषय डीजल क्रॉसिंग में आवेदन का नाम, दिनांक, बिल नंबर एवं डीजल की मात्रा स्पष्ट रूप से दिखने के संबंध में। तो इसका जो सब्जेक्ट दिया गया है वो ये दिया गया है कि डीजल केरोसिन में जो आवेदन हो रहा है स्कीम लेने के लिए, उसमें बिल एवं डीजल की मात्रा स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए उसकी रिसिप्ट में। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जिला कृषि पदाधिकारी भागलपुर के आदेशानुसार सभी सीएससी सेंटर संचालक को आदेश दिया जाता है कि डीजल अनुदान के लिए आवेदन में डीजल के कूपन में आवेदक का नाम, दिनांक, बिल नंबर, डीजल की मात्रा स्पष्ट रूप से दिखने के बाद ही आवेदन को ऑनलाइन करें। इसे अति आवश्यक समझे, अन्यथा उचित कार्रवाई हेतु उच्चाधिकार को सूचित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसलिए इस वेबसाइट पे आ जाता हूँ, ये कृषि की वेबसाइट है, जैसा कि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए सीएससी के वेबसाइट पे ही रिडायरेक्ट होकर के ईकेवाईसी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें जो अभी देखिए फार्मर रजिस्ट्रेशन में जैसा बताया जा रहा था सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर पे होता, कोई भी डिवाइस कनेक्ट करके एक कोई भी इंटरनेट कैफे या शॉप पे बिना सीएससी आईडी का भी ये रजिस्टर हो जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया है तो यहाँ भी कोई, और सीएससी का लॉगिन भी होता है सीएससी सहज का, लेकिन यहाँ देखिए बिना कोई लॉगिन का मैंने यहाँ पे यस किया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आधार में दिए गए मोबाइल संख्या आपके पास उपलब्ध है, यदि हाँ तो नीचे दिए गए यस बटन को क्लिक करें, अन्यथा नजदीकी सहज सीएससी केंद्र से संबंध करें। तो यहाँ पे मैं जैसे ही यस करता हूँ, ठीक है, जैसा कि अगर इस तरह की बात थी तो सिर्फ सीएससी और सहज ही इसे ऑनलाइन कर पाता। अब यहाँ पे मात्र आधार कार्ड नंबर दीजिए, बायो ऑथेंटिक कीजिए और नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाइए। जैसा कि मैं इस वीडियो में भी बताया था रजिस्ट्रेशन करके, इसे पहले के वीडियो में भी मैंने रजिस्ट्रेशन करके बताया था, वो सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको उसका मिल जाएगा जहां से उसे देख सकते हैं। तो बिना सीएससी आईडी का भी कोई भी इंटरनेट कैफे वाला इसे ऑनलाइन कर देगा। दूसरी बात कि यहाँ पे अनुदान के लिए, जैसा कि चलिए मैं वेबसाइट को बैक कर लेता हूँ, अनुदान के लिए यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म दिए गए हैं जहां पे कि यहाँ पे ये रिडायरेक्ट नहीं होगा तो मैं इस वेबसाइट को यहां से डायरेक्ट एंटर करके दिखा दे रहा हूँ, जहां पे कि डीजल अनुदान के लिए अप्लाई हो रहा है उसे कोई भी शॉप कर सकता है। इसमें सीएससी भेली भाई को टारगेट किया गया है, साफ स्पष्ट देख सकते हैं इसमें, ये जो है सीएससी वसुधा केंद्र को टारगेट किया गया, जैसा कि आप जान रहे हैं इतना यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी की लॉगिन के ऑप्शन है, ठीक है, सीएससी और सहज यहाँ पे यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल करके लॉगिन कर पाएंगे सीएससी भेली, लेकिन बिना सीएससी आईडी का भी ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है और अनुदान भी मिल जाता है। जैसा कि चलिए मैं बिहार के इसके वेबसाइट को मैं दिखाता हूँ, इंटरनेट थोड़ा स्लो रहने के बाद, जैसे कि यहाँ पे मानेंगे बिहार कृषि रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो बिहार कृषि रजिस्ट्रेशन करेंगे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ बिहार को जैसे ऊपर वाले लिंक को क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट को ओपन होने दीजिए। मैं पूरा इन तक वीडियो को देखते रहिए, मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो नोटिस दिया गया है, आखिर सीएससी वेली भाई को क्या आपने सैलरी दे रखी है जो इस तरह की आप दबाव बना रहे हो, प्रेशर दे दे रहे हो। अब कोई भी लेकर के आएगा रिसिप्ट ऑनलाइन करेंगे, उसमें कोई खामी आता है तो आप किसान समझे, आप समझिए, मुझे आप वेरीफाइड करने के लिए तो कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास जो रिसिप्ट आएगा उसे मैं देखूंगा, ऑनलाइन करूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई हेयर टू स्कीम, यहाँ पे देख सकते हैं बिना कोई सीएससी आईडी की भी अप्लाई होगी डायरेक्ट, जैसे होता था पहले। यहाँ पे कृषि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे शो होगा, फिर आगे की डिटेल्स इस ऑनलाइन प्रोसेस में होता है जैसा आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सीएससी भेली भाई ही अप्लाई कर पा रहे हैं, यहाँ तो सभी अप्लाई कर पा रहे हैं।
उसमें अगर आपने इस तरह की नोटिफिकेशन दे दी है तो आपको समझना चाहिए, ये पता करना चाहिए था कि क्या ये सिर्फ ओनली ऑन सीएससी और सहज ही ऑनलाइन कर पा रहा है। जब डायरेक्ट इस चीज़ की वेबसाइट पे आप उपलब्ध कर रखे हैं तो सीएससी को नोटिफिकेशन देने की क्या मतलब है? या सीएससी को टारगेट करते हुए आप उनको मैसेज दे रहे हैं तो डायरेक्टली मैसेज दीजिए ना, डायरेक्टली कोई ऐसा ऑप्शन दीजिए, आप इसे हटा करके डायरेक्ट ब्लॉक में दे दीजिए या ओनली सीएससी सेंटर पे दीजिए। इस तरह की नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और कुछ मैं वर्ड में दिखाना चाहूंगा, ये नोटिस गोराडी ब्लॉक से जारी किया गया है सिर्फ वसुधा केंद्र को, अभी तो यह कार्य वसुधा केंद्र के अलावे भी कर सकता है यह। तो यह नोटिस वसुधा केंद्र को ही क्यों दिया जा रहा है? अगर नोटिस दिया जा रहा है तो हमें बिहार सरकार नियुक्त करे। जितेंद्र कुमार सिंह गोराडी के ये मैं पूरा पोस्ट लिखे, मुझे एक ग्रुप के माध्यम से इसे मिला था, तो मैं सोचा कि आप सभी भेली भाई को इसकी नोटिफिकेशन दे दूं। इस तरह की बात है, फिर आगे आप लोग कैसे वर्क करना है, क्या करना है, जिसमें बताया। खैर ये सब नोटिस करने वाली बात है, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि जो रिसिप्ट आता है डीजल का, जो रिसिप्ट आता है उस रिसिप्ट पे दिनांक और डीजल की मात्रा और रिसिप्ट नंबर, ये सब आपको देखना चाहिए क्लियर। तो ये तो नॉर्मल बात है, ये हो, लेकिन इसमें नोटिस करके जो सीएससी को टारगेट किया गया ये गलत है कहीं ना कहीं। ये छोटा सा अपडेट था जो कि मैं आप लोगों को नेट सॉल्यूशन हिंदी के माध्यम से दे दिया, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी विशेष जानकारी आप जान सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसकी रिप्लाई आप लोगों को जरूर मिलता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।